हमारे बिहार की मिट्टी में मिट्टी पैदा करिए ऐसे कलाकारों को, उस कलाकार का हम सभी कट्टर ध्वनियों से स्वागत करें और उनकी प्रस्तुतियां अभी हम सबके सामने आएंगी। मैं आवाज देती हूं जितेंद्र जी को, जो अपनी प्रस्तुतियों के बारे में अब परिचय देंगे। उनकी प्रस्तुतियों के लिए, उस परिचय के लिए, उसके वर्णन के लिए मैं जितेंद्र कुमार आवाज देती हूं। जितेंद्र कुमार जी, कृपया आप मंच पर आए। अभी सभी प्रांतों से जो सचिव, संगठन सचिव आए हैं, या जिस प्रांत से कोई नहीं आया है, वो उधर से एक कार्यकर्ता, पीछे एक हाल है, कॉम्प्रेसिव हाल है, वहां पर अभी बैठक होगी, वो वहां पहुंच जाए। नमस्कार। इतिहास संकलन योजना के 12वें राष्ट्रीय अधिवेशन में मैं अपने समूह सुरांगन की तरफ से आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हमारे समूह सुरांगन की प्रस्तुति आपके बीच बिहार के लोक संस्कृति को लेकर हम लोग उपस्थित हैं। बिहार के विभिन्न क्षेत्रों के लोकगीत, लोक नृत्य से आपको परिचय कराएंगे, लेकिन इससे पहले हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत देवों के देव महादेव और हम सबों के नृत्य के आराध्य देव, नृत्य के राजा जिन्हें नटराज के रूप में हम जानते हैं, उनकी वंदना से प्रारंभ करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हमारा प्रथम पुष्प नटराज को अर्पित है, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं मानसी कुमारी। मानसी कुमारी भरतनाट्यम की नृत्यांगना है, जो सुदीपा घोष जी से भरतनाट्यम की शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। आप सबों के बीच प्रथम पुष्प अर्पित है नटराज वंदना। Thank you.
इस नटराज वंदना के बाद मैं आपको ले चलता हूँ बिहार के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ की मिट्टी लोकगीत के सुगंध से महकती है। दो युवा कलाकार बिहार के, विजय कुमार सिंह जी, जो कि हमारे संस्था सुरांगन, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सुरांगन संस्था बिहार की सर्वाधिक पुरानी सांस्कृतिक संस्थान है, जिसका उम्र अभी 63 वर्ष हो रहा है। हम अपने संस्था के 63वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हमारे संस्थापक गुरु विश्वबंधु जी, बिहार के जाने माने लोक नर्तक और पंडित उदय शंकर जी के शिष्य रहे हैं। हमारे सुरांगन के लोक नृत्यों में उदय शंकर जी के स्टाइल की सुगंध आपको देखने को मिलेगी। हमारे अगला कार्यक्रम जिसमें लोक नृत्य होगा, लेकिन उससे पहले हम लोक गीत की तरफ बढ़ रहे हैं। विजय सिंह जी आकाशवाणी और दूरदर्शन के ग्रेडेड कलाकार हैं। वैशाली महोत्सव, बौद्ध महोत्सव हो, राजगीर महोत्सव हो, या बिहार के बाहर कई राष्ट्रीय महोत्सवों में इन्होंने अपने लोक गीत से बिहार का मान बढ़ाया है। ऐसे कलाकार को हम आपके बीच आमंत्रित करेंगे। मुझे काफी सुखद अनुभूति हो रही है कि हम ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग के बीच में हमें यह कार्यक्रम करने का मौका मिल रहा है। अभी मुझे पता चला कि नव नालंदा महाविहार के वैद्यनाथ लाबसर भी आए हुए हैं। उनके समक्ष भी हम लोग कई बार प्रस्तुति अपनी दे चुके हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं स्टेज पर से। हमारे कलाकार तैयार हो रहे हैं। Thank you.
हेलो चेक हेलो हेलो ना बेस मिला के लोकगीत के कलाकार आपके समक्ष हैं। लोकगीत की शुरुआत सबसे पहले श्वेत प्रीति जी एक देवी गीत से करने जा रही हैं। श्वेत प्रीति जी ख्याति प्राप्त लोक गायिका हैं और लोक गायन में उल्लेखनीय योगदान के लिए बिहार सरकार के द्वारा विंध्यवासिनी देवी पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं श्वेत प्रीति जी। इनके साथ हारमोनियम पर हैं विजय कुमार सिंह जी, जिनका परिचय मैंने अभी आपको दिया था, बाद में वो लोकगीत भी आपको सुनाएंगे। तबले पर संगत कर रहे हैं कुंदन प्रकाश मिश्रा, वरिष्ठ शास्त्रीय गायक पंडित हीरालाल मिश्रा जी के छोटे सुपुत्र। पूरा संगीत घराना है, इनका पूरा परिवार ही कलाकार हैं। बांसुरी पर हैं समीर, बिहार के बहुत ही वरिष्ठ बांसुरी वादक। और प्रकाशन पर हैं अरविंद तिवारी जी। तो अब मैं आग्रह करता हूं
श्वेत प्रीति जी से देवी गीत से इस कार्यक्रम लोकगीत के कार्यक्रम को प्रारंभ करें। छोटी मोटी निमिया गछिया, छोटी मोटी निमिया गछिया भुइया लोटे डारे, छोटी मोटी निमिया गछिया भुइया लोटे डारे, ताही तर सात बहनिया खेले जुआबा सार है, ताही तर सात बहनिया खेले जुआबा सार है, ताही तर सात बहनिया सब के रबेरिया गनि मिया हरे हरे डार गे, सब के रबेरिया गनि मिया हरे हरे डार गे, अगे हमारे के बेरिया गनि मिया भैले पत झार गे, अग हमारे के बेरिया गनि मिया भैले पत झार गे, अग हमारे के बेरिया गनि मिया पसरात हाट गे, होत परात गनि मिया पसरात हाट गे, अगटगवा बेसाह गनि मिया जड़ से कटाब गे, अगटगवा बेसाह गनि मिया जड़ से कटाब गे, अगता गवा बेसाह गनि मिया पसरत हाट गे, होत परात गनि मिया पसरत हाट गे, अगटगवा बेसाह गनि मिया जड़ से कटाब गे, अग ओही जड़िए रोपब गनि मिया ओढ़हुल के गाछ गे, अग ओही जड़िए रोपब गनि मिया Thank you.
गिरत परत ले निमिया के माई है, गिरत परत ले निमिया के माई है। आबारी कसुर वाहे मैया बक्सुहा मार है, आबारी कसुर वाहे मैया बक्सुहा मार है, आबारी कसुर वाहे मैया। छोटी मोटी निमिया गचिया भुया लोटेदार है, छोटी मोटी निमिया गचिया भुया लोटेदार है। ताई तर सातो बहिनिया खेले जुआबा सार है, 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 ताई तर सातो बहिनिया। इस पुरानी और पारंपरिक देवी गीत के बाद हमारे लोक गीतों की परंपरा में झूमर अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसे कि मैम ने पहले बताया कि लोकगीत जो है वो हमारे इतिहास यानी जीवन की पगडंडी की तरह है। जैसे जैसे हमारा जीवन बदलता है, हमारा रहन सहन बदलता है, हमारे गीतों के बोल बदलते जाते हैं। और ये झूमर चूँकि स्त्रियों की उन्मुक्तता की बात होती है, इसमें स्त्रियां जो कहना चाहती हैं वो कहती हैं, तो हम उनके जरिए तब की बात है जब फ़ोन नहीं हुआ करते थे और उनके जो पिया है वो आ रहे हैं और उनको खबर भी नहीं है, और वो चाहती है कि काश हम भी उनको रिसीव करने स्टेशन गए होते। ये झूमर कहती है उस नायिका की बात हम आप तक पहुंचाते हैं। Thank you.
पिया के बैठी थी देवर जी से, अपने जे बैठती पिया के बैठी थी देवर जी से, रिक साहक बैठी देवर जी से, रिक साहक बैठी देवर जी से, अपने जे बैठती पिया के बैठी थी देवर जी से, अपने जे बैठती पिया के बैठी थी देवर जी से, रिक साहक बैठी देवर जी से, रिक साहक बैठी देवर जी से। पिया मोराई ते दिसनिए पे, जे हम चलती पिया मोराई ते दिसनिए पे, जब ना लेके जईती दिसनिए पे, जब ना लेके जईती दिसनिए पे, पिया के खियती देवर जी से, अपने जे खाईती पिया के खियती देवर जी से, बर्तन मांज बैठी देवर जी से, बर्तन मांज बैठी देवर जी से, हर गईले निमुआ ओ लड़ गईले गछिया से नाईले, हर गईले निमुआ ओ लड़ गईले गछिया से नाईले, परदेसी बलमुआ से नाईले, परदेसी बलमुआ से नाईले, परदेसी बलमुआ से नाईले, परदेसी बलमुआ से परदेसी बलमुआ से नाईले, परदेसी बलमुआ से नाईले, परदेसी बलमुआ से नाईले। और हमारे बीच भोजपुरी के बहुत बड़ा नाम मनोज तिवारी जी बैठे हैं, हम सभी कलाकारों की तरफ से उनका स्वागत और प्रणाम करते हैं। लोक गीतों की कड़ी में हमारे संस्कार गीत का एक अपना स्थान है, और उन संस्कार गीतों में सोहर काफ़ी अच्छा स्थान रखता है, ऊंचा स्थान रखता है, सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता है। उस सोहर में से मैं एक सोहर खिलौना, बहुत ही पुरानी और पारंपरिक गीत है, हम आपके बीच में रखते हैं। ये तो अब इतने बड़े कलाकार को देख के थोड़ी घबराहट भी हो रही है, लेकिन ये सुदाजी कृष्ण के खिलावेली, चंदा के बुलावेली, चंदा के बुलावेली हो, ये सुदाजी कृष्ण के खिलावेली, चंदा के बुलावेली, चंदा के बुलावेली हो, ए चंदा उतरीना हमारी अंगन मा बहुआबा बुलावेना हो, ए चंदा उतरीना हमारी अंगन मा बहुआबा बुलावेना हो।
यशोदा जी कृष्ण के खिलावेली चंदा के बुलावेली चंदा के बुलावेली हो चंदा उतरी ना हमारी अंगन माँ बबुआबा बुलावेला हो चंदा उतरी ना हमारी अंगन माँ बबुआबा बुलावेला हो। ये कब की बात है जब हमारे हाथों में फोन नहीं हुआ करता था और हम बच्चे को खिलाने के लिए चंदा से भी रिश्ता बनाया करते थे। ललना खेले लग
निकले नंद जी को लाल चंद्रमा छिपित भैले हो ललना खेले लगलन नंद जी को लाल चंद्रमा छिपित भैलन हो ललना खेले लगलन नंद जी को लाल चंद्रमा छिपित भैलन हो ललना खेले लगलन नंद जी को लाल चंद्रमा छिपित भैलन हो। श्वेत प्रीति जी के बाद हम आमंत्रित करेंगे धन्यवाद विजय कुमार सिंह जी को, वो आपके बीच लोकगीत की कुछ प्रस्तुति देंगे। उसके बाद बिहार के 12 महीने में होने वाले पर्व त्योहार रीति रिवाज उसकी झलक आपको दिखाएंगे एक छोटे से नृत्य नाटिका 12 मासा के माध्यम से। तब तक आप विजय कुमार सिंह जी के गीतों का आनंद लीजिए। एक जोरदार तालियों से विजय जी का स्वागत कीजिए। एक भोजपुरी रचना मैं जो सुनाने जा रहा हूं। नायिका नई नवेली दुल्हन है, उसका पति प्रदेश जाने वाला होता है, क्या कहेंगे तो वो भाव है। Come on.
Thank you.
बजरिया से चूनरी बजरिया से चूनरे ले हवालम बजरिया से चूनरे Thank you.
बजरिया से छूना रे ले ले हवाल बजरिया से छूना रे ले ले हवाल बजरिया से चुनरी ले ले हवाल बजरिया से चुनरी। इसके बाद हम विजय जी से आग्रह करेंगे कि एक अंतिम लोकगीत की प्रस्तुति पूर्वी के रूप में आपके बीच करें, उसके बाद हमारा नृत्य नाटिका बारहमासा आपके बीच आएगा। महेंद्र मिश्र जी की रचना, जब पूर्वी की बात चल रही है, बिहारी ठाकुर महेंद्र मिश्र जी की रचना कैसे बोल सकते हैं, उनकी बड़ी ही प्रसिद्ध रचना उंगली में डसले बिया नगिनिया, और साथ में सोठी जो लोक गायकी लोक विधा का ही एक अंग है, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। Yeah।
दियत जगादा पार छपरा गंगा धार लोक गीत के इस सत्र के बाद हम आपको ले चलते हैं लोक नृत्य की ओर। हमारा बिहार 5 भागों में बटा हुआ है, 5 अलग अलग भाषाएं हमारे बिहार में बोली जाती है। हेलो हेलो, थोड़ा सा आवाज इसका बढ़ा दीजिए भैया। अंगिका, वज्जिका, मैथिली, मगही और भोजपुरी, हम अभी भोजपुर क्षेत्र में हैं। हमारे इस नृत्य नाटिका में हमने इस बात का ध्यान रखा है कि इन 5 क्षेत्र की जो संस्कृति है, सभी क्षेत्र में अलग अलग वहाँ के रीति रिवाज हैं, अलग अलग नृत्य हैं, अलग अलग संस्कृति हैं, उन सभी का समावेश एक छोटे से नृत्य नाटिका में उसी भाषा में करने का हमारा ये छोटा सा प्रयास है, जिसमें बिहार के विभिन्न रंग आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा समय हम मंच सज्जा के लिए लेंगे, उसके बाद आपके बीच प्रस्तुत होगा 12 मासा। इस नृत्य नाटिका की संगीत रचना की है राजू मिश्रा ने। इसमें गीत और आलेख हमारे संस्था की पूर्व अध्यक्ष रही हैं पद्मश्री डॉक्टर शांति जैन, उनकी रचना है, और कुछ गीत पारंपरिक भी हैं इसमें। उन सभी गीतों का समावेश करके 12 मासा तैयार किया गया है, बहुत ही शीघ्र आपके बीच आएगा 12 मासा।
थोड़ा सा मंच व्यवस्था के लिए मुझे समय चाहिए। हमारे कलाकार तैयार हैं। मैं आग्रह करता हूं कि ऑडिटोरियम के लाइट ऑफ कर दें, स्टेज पर के भी लाइट ऑफ कर दें, लाइट और म्यूजिक दोनों प्ले कर दें। ऑडिटोरियम के लाइट प्लीज ऑफ कर दें। जिसकी चंदन चंदन हो माटी, जिसकी चंदन चंदन गंगा जिसका आंगन है, माटी जिसकी चंदन चंदन गंगा जिसका आंगन है, इंद्रधनुष से रंगो वाला ये बिहार मन भावन है, इंद्रधनुष से रंगो वाला ये बिहार मन भावन है। Thank you.
स्वर्ण इतिहास छुपा है इस बिहार की माटी में, स्वर्ण इतिहास छुपा है इस बिहार की माटी में। राजनीति और कला धर्म सब पनपे इस धरती में, राजनीति और कला धर्म सब पनपे इस धरती में। लोक कला की खुशबू फैली हो, लोक कला की खुशबू फैली बिहार के गण गण में, लोक कला की खुशबू फैली बिहार के गण गण में। रंग रंग के त्योहार मनाए जाते इस आंगन में, रंग रंग के त्योहार मनाए जाते इस आंगन में। बारह मासा रंगोली है, बारह रंगों वाली बारह मासा रंगोली है। बारह मासा गीतों में हो, सुनो हमारी वाणी है, आज चले हम यही बताने सुनो हमारी वाणी है। माटी जिसकी चंदन चंदन हो, माटी जिसकी चंदन चंदन गंगा जिसका आंगन है, माटी जिसकी चंदन चंदन गंगा जिसका आंगन है। Thank you.
दिया जस तलियांगा नवाए रामा देवरा पापी नी रखे बदा नवाए रामा देवरा पापी नी रखे बदा नवाए रामा देवरा पापी नी रखे बदा नवाए रामा देवरा पापी ओ मोरी राम हो रतिया जे सुतलियांगा नवाए रामा देवरा पापी नी रखे बदा नवाए रामा देवरा पापी नी रखे बदा नवाए रामा देवरा पापी नी रखे बदा नवाए रामा देवरा पापी हे बोलो भाई बोला दवारिका नाथ सिया पर रामचंद्र की जय अगमय कौन बाबा हरदी चढ़ावे लाना अगमय कौन बाबा हरदी चढ़ावे लाना अगमय बाबा से बाबा अपन बाबा ना अगमय तू है बाबा हरदी चढ़ावे लाना अगमय हरदी हरदिया दुब पाथरना अगमय हरदी हरदिया दुब पाथरना अगमय कौन भैया हरदी चढ़ावे लाना अगमय कौन भैया हरदी चढ़ावे लाना अगमय भैया से भैया अपन भैया ना अगमय तू है भैया हरदी चढ़ावे लाना अगमय हरदी हरदिया दुब पाथरना अगमय हरदी हरदिया दुब पाथरना काची हरदिया में माता रंगा
आवला आषाढ़ मास लगला अधिकास टप टप बुनिया बरसे हो राम चली भोजपुरा में निरखी कजरी कैसे के कजरी गावेली राम कैसे के कजरी गावेली राम राम रिम झिम के बरसे लपनिया भिजत अवे धनियाए रामा कि अरे राम रिम झिम के बरसे लपनिया भिजत अवे धनियाए रामा छोटी में लगल झुन झुनिया भिजत अभी धनियाए रामा कि अरे रामा छोटी में लगल झुन झुनिया भिजत अभी धनियाए रामा भिजत अभी धनियाए रामा भिजत अभी धनियाए रामा कि अरे रामा रिम झिम के बरसे लपनिया भिजत अभी धनियाए रामा कि अरे रामा रिम झिम के बरसे लपनिया भिजत अभी धनियाए रामा कि अरे रामा रिम झिम के बरसे लपनिया भिजत अभी धनियाए रामा कि अरे रामा रिम झिम के बरसे लपनिया भिजत अभी धनियाए रामा तावन महीना दिनो बाबा नगर में ओ चल जानो दिस सोलो जिन जिन दिनो तूने से केरुआ धारो हम ते नारा लगते जो हाथी ना घोड़ा ना कोनो सवारी हाथी ना घोड़ा ना कोनो सवारी पैदल ही आइबो तोर दुआरी ए भोले नाथ पैदल ही आइबो तोर दुआरी बोलतम के नारा बा ई के सहारा बा बोलतम 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 छाला पड़ेला आटा गड़ेला चहलो पे भी जब पग नाचेला चहलो पे भी जब पग नाचेला लागेला खुद ही लागेला खुद ही रास्ता चलेला लागेला खुद ही
रस्ता चलेगा बाईसन नहीं माते हारी हे भोलेनाथ बाईसन नहीं माते हारी बोल कम पे नारा बा की हे ने सहारा बा बोल कम पे नारा बा की हे ने सहारा बा हाथी ना घोड़ा ना कोनो सवारी हाथी ना घोड़ा ना कोनो सवारी पैदल ही आइबो तोर दुआरी ये भोले ना पैदल ही आइबो तोर दुआरी इस माइल जोगी कामरू देश कमाच्या माई जहां बसे इस माइल जोगी इस माइल जोगी लगाओ फुलवारी बीह से फूल तोरे नो न जमा महीना पावन महीना सूर्य
Thank you.
मिथिला में राम
गंगा जिसका आनंद है, इंद्रधनुष से रंगो वाला ये बिहार मन भावन है, ये बिहार मन। अद्भुत मन भावन, शायद मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कर्मभूमि में ठीक ही लिखा है। मनोव्यथा जब असह्य और अपार हो जाती है, जब उसे कहीं त्राण नहीं मिलता, जब वह रुदन और क्रंदन की गोद में भी आश्रय नहीं पाती, तब वह संगीत के चरणों में जा गिरती है। अद्भुत मन भावन, मुझे लगता है कि भोजपुरी माटी की यह सौंधी महक भाषा की सभी सीमाओं को तोड़ते हुए देश भर से आए सभी भाषा भाषियों के हृदय तक पहुंची है। एक बार आपकी जोरदार तालियां हो जाएं। पुनः इस समूह के सम्मान में जिन्होंने अभी बारहमासा का अद्भुत प्रदर्शन किया, हम सबके बीच, हम मन के बीचे अभिन एक ऐसन कलाकार के पदार्पण भइल बा जेकरे खातिर हमरे लगे शब्द नहीं है, जिनके खातिर कहीं कि उन्होंने भोजपुरी के वैश्विक पटल ले पहुंचोले के काम कैले बन। यही जन कैमूर जिला के, और हमके बतावल गईल कि जब वहां के जन्म भइल रहे तो कैमूर जिला के उनकर गांव भी रोहतासे में रहे, अतरवलिया गांव के जन्म भइल आदरणीय मनोज तिवारी जी, जिन्होंने भोजपुरी की सुगंध को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। हम सभी भोजपुरी लोगों के, भोजपुरिया लोगों के हृदय सम्राट आदरणीय मनोज तिवारी जी से आग्रह कि आप मंच पर आईं अपने प्रस्तुति खातिर। आदरणीय मनोज तिवारी जी, आप लोगों की तालियां कमजोर ना पड़े, इनकी गूंज कैमूर जिले के अतरवलिया तक पहुंचे। आदरणीय मनोज तिवारी जी, आपके चाहे वाला बहुत लोग बा। वीर कुंवर सिंह सामाजिक समस्याओं को लेकर जो गीत हैं, ऐसे समय में उन्होंने भोजपुरी को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया, जब बहुत सारे ऐसे गीत भी गाए जा रहे थे जो भोजपुरी की गरिमा के अनुकूल नहीं थे। मैं आग्रह करता हूं अखिल भारतीय इतिहास संकलन परिवार की ओर से और गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय की ओर से, आदरणीय गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के प्रबंध निदेशक महोदय श्री त्रिविक्रम सिंह जी से, कि वे स्मृतिका देकर आदरणीय मनोज तिवारी जी का सम्मान करें। डॉक्टर त्रिविक्रम सिंह जी, त्रिविक्रम नारायण सिंह जी, अंगवस्त्रम के साथ आदरणीय मनोज तिवारी जी का सम्मान। मेरा आग्रह की गोरखे बुरखे हैं जी जी, जहां से आप चाहें है दे दी आपके। अच्छा, यो ठीक ही बोलता। एक बार ताली तो हमरे तरफ से भी लोग खातिर बजे के चाहिए। वैसे भी
इतिहास संकलन का ये राष्ट्रीय अधिवेशन है और पिछले आधा घंटा में बिहार के सांस्कृतिक इतिहास लिखा गिल बाटे, ये लिख दिया है इस परफॉर्मेंस ने। मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इसमें आमंत्रित किया गया और बिल्कुल ठीक भैया ने कहा कि मेरा यही, जब मैं जन्म लिया तो यही जिला था मेरा रोहतास, बाद में बट गए, कैमूर अलग हो गए, ओकरो से पहले शाहबाद जिला रहे, शाहबाद से कभी आरा भोजपुर। तो ये कार्यक्रम ही लोग के देखने के बाद मुझे लगा कि जो भी देश भर से लोग आए होंगे, आज पिछले तीन दिन से कल समापन है, इससे अच्छा आपका स्वागत कुछ नहीं हो सकता जो इस पिछले कार्यक्रम ने आपका किया है। और जब मैं इस सभागार को देख रहा हूं तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम दिल्ली के सीरी फोर्ट में हैं, कि हम कोलकाता के महाजाति सदन में हैं, हालांकि वो तो छोटा है इससे। हम देश के लगभग, देश और दुनिया के कई हॉल में परफॉर्मेंस कर चुके हैं। आप सबको शायद सबको पता हो न हो, वैसे तो मैं इस समय दिल्ली से सांसद भी हूँ और जब परिचय होगा तो निश्चित रूप से मैं एक लोक संस्कृति का कलाकार हूँ, उसी साधना ने हमको यहाँ तक पहुँचाया, तभी हमको माननीय सोनी जी ने जाना कि मनोज तिवारी। लेकिन जब हम इस सभागार को देख रहे हैं जहाँ इतिहास संकलन का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, आप सोचिए कैसी कल्पना, एक बार में तो विश्वास ही नहीं होता कि हम सासाराम में बैठे हैं, लेकिन हम सासाराम में बैठे हैं और गौरवशाली सासाराम में बैठे हैं। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय और गोपाल नारायण सिंह जी सामने बैठे हैं। कई सारे मिथक टूट रहे हैं, आप हमारी सारा समझिए गई लोखब बाकी तो तो आदरणीय बाल मुकुंद जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बुलाया, मैं अपना सारा सौभाग्य लेकर के आया। अभी हम बैठे बैठे गीतों के बारे में सोच रहे थे कि अगर हमको बुला ही दिया गया मंच पे तो हम क्या कहेंगे। तो मुझे फिर जब गीत में हमें अपने व्हाट्सएप में करीब 70 गाने का लिस्ट बना के रखे हैं, वैसे तो हम 5026 गाना गा चुके हैं अभी तक तो 70 गानों का सूची है मेरे पास कि अचानक कहीं जाते हैं तो देखते हैं कि वो कार्यक्रम क्या है, तो उसी से हिसाब से उसमें निकालते हैं। तो 70 में से करीब 14 गाने ऐसे निकले जो इतिहास ही लिखा हुआ है, जो इतिहास संकलन का ही एक हिस्सा है। जैसे हम अपने जीवन के सबसे पहले 1992 में जब पहला गीत लिखे थे, यहाँ पे सभी विश्वविद्यालय के बड़े बड़े प्राचार्य विद्वत जन, पूरे देश के बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, हमने जीवन का पहला गाना लिखा था माँ मुंडेश्वरी के बारे में, माँ तारा चंडी के बारे में, गुप्ता धाम के बारे में। तो मैंने एक गाना लिखा था और गाया था, तब मैं
चूंकि मेरा गांव जो है मोहनिया के पास है, तो मैंने माँ मुंडेश्वरी के बारे में लिखा गीत कि भभुआ से तनी के दूर माई के भवनवा मोहेला मनवा माई मुंडेश्वरी धमवा। अरे थोड़ी का सा दूर पहाड़ पर स्थान बा, आये ही जा से थोड़ी के दूर बाबा गुप्ता धाम बा, हरे तारा चंड माई लगे तारा चंडी माई लगे पूरे लायर मनवा मोहेला मनवा माई मुंडेश्वरी धमवा। अब गाना तो इतिहास जब तक मनोज तिवारी रही न रही, जे दूसर भी जे दुनिया में कहीं सुने तो भगुआ ढूंढेगा। भगुआ से थोड़ा दूर कितना है, 18 किलोमीटर है, गुप्ता धाम किधर है। जब इतिहास संकलन के मंच पे हम खड़े हैं तो मुझे चंद्रशेखर मिश्र जी याद आ रहे हैं। चंद्रशेखर मिश्र जी ने कुंवर सिंह जी के बारे में लिखा है, वीर कुंवर सिंह। लोक संगीत में वैसे तो एक गाना बहुत चर्चित बाटे कि खौलत खून बहल नस नस में देखी के गुलामी जवानी पाकल मोचिया पर आइल कुंवर के, जवानी पाकल मोचिया पर आइल कुंवर के। 80 साल के उम्र में कैसन चढ़ल जवानी बाबू के, हरे भागल सब अंग्रेज सुर भी मिलने लगे हमको हरे भागल सब अंग्रेज जहां, अरे चमकल कुंवर सिंह के तेगा के पानी तब जवानी पाकल मोचिया पर आयल कुंवर के। तो ई गाना तो बिहार में सबको ही गाता है, लेकिन चंद्रशेखर मिश्र जी ने लिखा है कि बाबू के आइल बा नेवता गावे गावे डुग्गी बाजल। बाबू मतलब कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह, कोई कुंवर सिंह कहते नहीं रहे उनका के, सब कोई बाबू बोलता था। बाबू के नेवता आइल, बाबू के आइल बा नेवता गावे गावे डुग्गी बाजल, बालोहा चबाए के नेवता सब साजे आपन दल बादल। नेवता कोने बात के बाटे, लोहा चबाए के बा, लोहा चबाए मतलब गोली खाए के बा, निमंत्रण आया है कि बाबू के आइल बा नेवता गावे गावे डुग्गी बाजल, बालोहा चबाए के नेवता सब साजे आपन दल बादल। सेनुर पोछवावे के नेवता, नेवता कोने बात के, सेनुर पोछवावे के, सेनुर पोछवावे के नेवता, मुड़ी कटवावे के नेवता, सर्वस लुटवावे के नेवता, बाराण कहावे के नेवता, जे अपन होए ते साथ दे। निमंत्रण में लिखा था कि जो अपना है वो साथ दे, नहीं तो मेरा नेवता वापस कर दे। हमारे यहां बिहार में अगर निमंत्रण आता है, अगर खटपट हो गई तो कहे तो मेरा नेवता वापस करो, नाराजगी की चरम सीमा है।
कि बालोहा चबाए के नवता से नूर पछवावे के नवता मुड़ी कटवावे के नवता बारण कहावे के नवता जे अपन होए ते साथ दे जे अपन होए ते माथ दे कि तब फेरा नेवता हमार नहीं तो अब साज दल बादल। परिणाम क्या हुआ कि हमरी राखी के लाज रखा घर घर में बहिना बोल उठल। हमरी राखी के लाज रखा बहन बोलती भाई को हमरी राखी के लाज रखा घर घर में बहिना बोल उठल। सेनुर के लाज रखा घर घर मेहरारू बोल उठल। पाकल मोछा के मान रखा हर बूढ़ बाप के बोल रहल की तब फेरा नेवता हमार नहीं तो अब साज दल बादल। अरे ऐसन कुंवर सिंह के कहानी इतिहास में देख ले बानी की कहानी पाकल मोचिया पर आइल कुंवर के हो जवानी। पाकल मोचिया पर आइल कुंवर के हर खौलत खून बहल नस नस में देखी के गुलामी। अगर ताली बजे लगे तो दुनिया में उसके जैसा वाद्य कुछ भी नहीं है। तो ये भैया लोग तो बहुत अच्छे कलाकार, अभी तो सुने हम लोग बहुत देर सुननी है जा, लेकिन ये जो तालियों के साथ हम गा रहे हैं ना, अरे कोई वीडियो बना लेना यार, बड़ा चलेगा ये ट्विटर पे। कि खौलत खून बहल नस नस में देख के गुलामी जवानी पाकल मोचिया पर आइल कुंवर के हो। जवानी पाकल मोचिया पर आइल कुंवर के हो। जवानी पाकल मोचिया पर आइल कुंवर। भारत माता की। हम लोग तो कई गाना ऐसे लिखे हैं। एक बार हम माता का गीत लिखत माँ का गीत लिख रहा था मैं, और एक बार ऐसे ध्यान में आया कि माँ से पूछूं कि माँ ऐसी कौन सी योग्यता है जिस पे तू खुश हो जाती हो। माँ से पूछ सकते हैं ना, माँ की भक्ति करते हैं, माँ का गुणगान करते हैं। तो मैंने ऐसा ही एक गीत लिखा कि कौन योग्यता पे खुश हो खेलू भवानी तू, कवने सहूर पर मोहाई जालू हे मैया, कौने भाव पर तू दौड़ल आई जालू हे मैया। अब लाइन तो दो ही लाइन की थी कि कौने योग्यता पे खुश हो खेलू भवानी तू, तो फिर पूरा कहानी लिखना पड़ा कि आल्हा उदल में रहे कवन ऐसन शक्ति दे देहलू बाल जांगर और दिहलू भगति, कवन काम कैले आल्हा कि कबो नाही हरले, कवने स्वभाव पर जिताई जालू हे मैया, कौने भाव पर तू दौड़ल आई जालू हे मैया। कटरा की कहानी लिखा हमने कि कटरा में धाम कटरा में घर रहे भक्त श्रीधर के, कैसे तोहके भजले मैया कौने भाव में संवार के। एक हमारे बिहार में थावे माँ का मंदिर है,
बाल मुकुंद भैया का जहां गांव है यूपी में, उसके बगले सटलिए है, उनको भी गाना लिखे। अब हम अभी जो पिछले एक घंटा में सोच रहे थे कि मैं भी इतिहास संकलन का हिस्सा हूं, हमने किताब में पता नहीं गाना लिखा कि नहीं लिखा, लेकिन हम रहेंगे नहीं रहेंगे यूट्यूब पे जब भी लोग जाएंगे, वैसे लोग ऐसे करोड़ों करोड़ों लोग देख चुके हैं। हमने तो एक गाना और इतिहासी लिखने के लिए गाया, लेकिन उसका मतलब लोग कुछ और समझने लगे। हमने गाना गाया था रिंकिया के पापा, तो अब कभी कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं। हमने क्या देखा, हमारे एक मित्र बैठे हैं यहाँ पे, अतुल सिंह जी, वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मेरे साथ पढ़ते थे। एक हमारा मित्र है राकेश कुमार, ये सब लोग, राकेश कहाँ गया, अच्छा अच्छा आ रहे होंगे। तो ये लोग हमसे बनारस से जब चले तो हमारे साथ चल दिए, खाली इसलिए चले कि हमें गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी देखना है। ये लोग आए हमारे पास, अतुल हमारे हम इतिहास में पढ़े, हम लोग इतिहास के विद्यार्थी हैं। तो ये खाली इतने में सोचे कि यार, पहले तो इन लोगों को लगता था कि गोपाल नारायण सिंह जी कभी रहे होंगे, हम कह रहे नहीं रहे हैं। और उसमें उनको माफ कर दीजिएगा, उनकी गलती नहीं है, भारत की परंपरा यही रही है। लेकिन उस परंपरा में नई परंपरा डाल दिए, अब जो भी सफल होगा कुछ करके जाएगा कि दुनिया हमको याद रखे आगे, ये तो बड़ी बात है। अब इतिहास संकलन का कार्यक्रम वही हो रहा है, देश के शिक्षा मंत्री जी इसी में आए थे, माननीय सुरेश सोनी जी यहीं पे इसी में बैठे हुए। तो अब सब कुछ अगर अलग, जो जानता है जानता है, जो नहीं जानता है जो जाना तटे, राती के बैठ के सोची तो लगी कि का हो रहा भाई को। तो ये लोग आए देखने की गोपाल नारायण सिंह जी कौन है। तो सबसे पहले गोपाल नारायण सिंह जी हम लोग का स्वागत किए, तो ये लोग बोल रहे अरे ये तो बहुत यंग है, हम कह रहे बहुत, ये तो अब अमर है इनको। और भैया से मेरी मुलाकात होती रहती थी, तो मैं इन सारे, मुझे नहीं पता था हम लोगों को कि हम लोग इतिहास संकलन के कार्यक्रम में सासाराम में होंगे और अंदर बैठे होंगे। तो जब ये फोटो हम डालेंगे सोशल मीडिया पे तो कई लोग सोचेंगे कहीं अल्बर्ट हॉल में तो नहीं हो रहा है लंदन के कार्यक्रम। तो ये मेरी भावना है, क्योंकि मैं इसी मिट्टी का हूं, यहीं से जन्मा हूं, तो हम कुल जाना तनी, यहां तो देवी देवता भी चमत्कार कर देते हैं। यहाँ केवल मनुष्य चमत्कार नहीं कर, देवी देवता ऐसा चमत्कार करते हैं। पहले हम लोग को तारा चंडी जाने के लिए पहाड़े पहाड़ जाना पड़ता था, तो कई लोग सोचे होंगे माई तो बड़ी दूर बाड़ी, तनी नजदीक आ जो, तो रोडवे घुमा दी माई। पता नहीं आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं, रोड जो इधर से जाता था अब वो नेशनल हाईवे माई के चरण के पास से जाता है। अब हम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दें कि माई की कृपा को धन्यवाद दें, समझे में नहीं आ रहा। लेकिन इतिहास तो हम लोग लिख रहे हैं, आज हमको समझ में आया कि हम भी इतिहास लिख रहे हैं। अभी थोड़ा समय पहले हमने गाना लिखा, जरा सुर दीजिएगा ना जो था। हाँ भैया बहुत, बस सुरवे दे ले रही है, मैं खूंटा धरो ले रहा हमारा। देखिए खूंटा समझते ना कि जैसे हम एक जगह से बंधे हुए हैं, जीवन में खूंटा का होना बड़ा जरूरी है। खूंटा मतलब अपनी पहचान, अपनी वो अपनी संस्कृति, अगर उसको नहीं पकड़ेंगे तो भटक जाएंगे। तो खूंटा मतलब सुर का खूंटा है, लेकिन हमारी संस्कृति जरा दीजिएगा। अब सोचिए हम आप कितने सौभाग्यशाली हैं सब लोग, एक दिन हम लोगों ने देखा कि अयोध्या जी में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास हो रहा है। आपने भी देखा है, आपको भी खुशी हुई होगी जब कोर्ट का निर्णय आया, वर्षों की
लोगों की तपस्या, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तपस्या, इतिहास संकलन की तपस्या पूरी हुई तो हम गाना लिखे कि पांच सदी के इंतजार को, पांच सदी के इंतजार को मिलकर हमें सजाना है, और जहां जगत में राम पधारे उसी अयोध्या जाना है, जहां जगत में राम पधारे उसी अयोध्या जाना, पांच सदी के इंतजार को, पांच सदी के इंतजार को मिलकर हमें सजाना है, जहां जगत में राम पधारे उसी अयोध्या जाना है, जहां जगत में राम पधारे उसी अयोध्या जाना, जहां हजारों राखी रोई ममता गोली खाई है, जहां हजारों राखी रोई ममता गोली खाई है, ना जाने कितने बलिदान से ये शुभ घड़ियां आई है, ना जाने कितने बलिदान से ये शुभ घड़ियां आई है, शिलान्यास के बाद हमें भी, शिलान्यास के बाद हमें भी दर्शन करके आना है, जहां जगत में राम पधारे उसी अयोध्या। तो ये मनवा तो आप लोग के करी की बाद में गुनगुनाएं, क्योंकि हमने वैसे तो गाना लिखा था, मैंने सोचा था कि, और जिस दिन गाया उसी दिन इसको लगभग 55 लाख लोगों ने देख लिया एक ही दिन में, तो मुझे लगा। फिर मैं अभी कहीं स्कूल में गया था किसी के, तो मैं देखा एक बच्ची हमारा गाना गा रही है, उस दिन नहीं फील हुआ था, आज लगा कि हम भी इतिहास संकलन का काम कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ गुनगुनाइए, एक बार प्यार से गाइए, और भैया लोग तो बस आज बजाना नहीं, आज सुनना है खाली, कि जहां जगत में राम पधारे उसी अयोध्या जाना है, जहां मैंने लिखा शिलान्यास के बाद हमें, क्योंकि मोदी जी ने हम लोग को मना कर दिया था, तुम लोग सांसद लोग मत आना उस दिन, तुम लोग बाद में आना, लेकिन बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, जहां हजारों राखी रोई ममता गोली खाई है, जाने कितने बलिदानों से। अब तो मैं जब जब गाना लिखूंगा तो मुझे इतिहास संकलन का याद रहेगा कि मैं कितना कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, और ये सब गाना मैं लिख के दूंगा, किसी किताब में छपवा दीजिएगा, हम भी इतिहास संकलन के कार्य में शामिल हो जाएंगे। कई गाने ऐसे हैं जो हम लोगों को, जैसे हमने एक गाना लिखा था 1996 में, जब मैं पहली बार गाना गाने शुरू किया था, तो मैंने एक बार मेरा संघर्ष हो गया एक लाल बत्ती वाली गाड़ी से, मंत्री जी की गाड़ी थी किसी की, तो मैं विंध्याचल दर्शन करने जा रहा था, वो उधर से निकल रहे थे, मैं बिल्कुल पार हो गया था, लेकिन चूंकि वो मंत्री जी थे घुस गए, तो हमको पूरा 400 मीटर बैक करना पड़ा, एक ही गाड़ी जा सकती थी, तो हमारी गाड़ी उसी दिन मैंने टाटा सुमो खरीदी थी, पहली बार जीवन में, हमारे पास साइकिल तो थी नहीं, पहली ही बार में मैं जो जनता से मिला पैसा था उसी से मैंने टाटा सुमो खरीदी थी, और इंडिकेटर में टूट गया हमारा वही दिन, पहले दिन। तो मैंने गाना लिखा
कि नियम का बघारो ताड़ो रास्ता छोड़ मंत्री जी के गाड़ी आवता। मैंने अपने को ही कहा देखो मनोज तिवारी से मन में आया ना कि दिस इज नॉट जस्टिस हाउ इट इज पॉसिबल आई एम ऑल्सो नागरिक ऑफ दिस कंट्री। थोड़ी देर फॉर ओनली फॉर वन मिनट इफ मंत्री जी कुड स्टॉप मैं पार हो जाता। तो फिर मैंने अपने मन को कहा कि अभी पुलिस वाला लगाएगा चार वेंत बेटा पीछे हट तू जा क्योंकि उनके ऊपर ना लाल बत्ती चमक रही थी। तो मैंने असहाय होके गाना लिखा कि नियम का बघारो ताड़ो अभी सुर छूट दीजिएगा मैं अपने हिसाब से ले लिया हाँ अब मत दीजिएगा हाँ कहेंगे तब दीजिएगा क्योंकि मैंने सुर बढ़ा दिया है तब जहां बढ़ गया वहीं आ गया कि नियम का बघारो ताड़ो मनोज तिवारी ये सब नियम उम की बात मत करो नियम का बघारो ताड़ो रास्ता छोड़ मंत्री जी के गाड़ी आवता सड़क खाली कर राजा के सवारी आवता। देखत नहीं खराए फल के नाल हो देखात बा 1996 में ऐसे ही नेता होते ऐसे ही मंत्री होते थे पुलिस की पुलिस के जवानों से ज्यादा राइफल की नाल दिखती थी लंबी लंबी। देखत नहीं खराए फल के नाल हो देखात बा भागबक लोल तोहरा कुछ ना बुझात बा मंत्री जी के क्रोध में तू हो जाइबा सुपारी हो सवारी आवता। अब गाना तो मैंने गा दिया क्योंकि मेरे अंदर का एक आक्रोश था। अब मुझे क्या पता था कि एक दिन मैं भी सांसद बनूंगा नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे इस विचार परिवार की जीत होगी और सबकी लाल बत्ती उतर जाएगी। थोड़ा जोर से ताली बजाइए बहुत बड़ा काम हुआ है। गोपाल नारायण सिंह जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं लेकिन अगर एक अध्यक्ष जो इतना बड़ा काम किया हो मुझे लगता है दुनिया के पहले अध्यक्ष होंगे जो अध्यक्ष होते और इतना बड़ा काम। तो देखिए हमारा इतिहास का कैसा गाना बन गया भैया। इतिहास तो उस दिन वाला भी था पूरा गाना सुनेंगे तो आपको बहुत हंसी आएगी। एंड आई वॉज ओनली टॉकिंग टू मनोज तिवारी। मैं अंग्रेजी बोलता हूं तो लोग हंसते हैं। मैं भी तो पढ़ा ही लिखा हूं लेकिन भोजपुरी गाने वाले को लोग समझते नहीं कि पढ़ा लिखा भी होगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने गाना आक्रोश में गाया था इस देश की सरकार ने इतिहास संकलन ने उसको कानून बना दिया कि किसी की बत्ती नहीं रहेगा हटा इसको सारी बत्ती। ये इतिहास संकलन का निष्कर्ष निकलने वाला। मैं एक बार बहुत पूछा था बाल मुकुंद भैया से कि इतिहास संकलन क्या करता है तो हमको ये 2-3 महीना में समझाए एक दिन में नहीं समझाए और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों की बड़ी पहचान है वो एक दिन में नहीं समझाएंगे आपको। वो जब भी कोई बात समझानी होगी तो बोलेंगे थोड़ा समझाएंगे बोले थोड़ा अनुभव करो। लेकिन आज देखिए कितना इतिहास आज भी जो लिखेगा। एक बार हमने भ्रूण हत्या पे गाना लिखा यही देश था यही लोग थे यही सरकारें होती थी। बहू को पता चला कि नई बात हुई है बिहार में उसको नया समाचार बोलते हैं कहो को नया समाचार बा। देखिए इतना मर्यादित हमारा राज्य है हम लोग सीधे नहीं पूछते हैं कहो तुम्हारा फलाना के कुछ होके ऐसे नहीं कहो को नया समाचार। तो नया समाचार जैसे ही आता था पहले लोग अल्ट्रासाउंड कराते थे। मैं बात कर रहा हूं 94, 93, 95 और जैसे ही पता चल जाता था उस समय कानून तो इतना कड़ा था नहीं कि पेट में बच्ची है
सफाई करा देते थे। उसके बाद बेटियों का बहुत दर्द निकला, हमने भी एक गाना गाया कि अगिया दहेज के कैसन तेज हो गई, बेटी जन्मावल परहेज हो गई। फिर मैंने खतरा भी दिखाया कि ढेर नहीं खेदीन अब तो उहो जुग आई कि शादी बदे बबुआ कंपटीशन देवे जाई हो। सुनी हो खे शुरू अब तो सेज हो गई, काहे बेटी जन्मावल परहेज हो गई। लेकिन देखिए मेरा भाग्य देखिए, मेरी हमारे गाने में दम नहीं था, सोच में दम था। इतिहास संकलन के लोग भी तो इसको ले ही रहे थे। प्रणाम। अब देखिए मेरा भाग्य क्या है कि हमने गाना गाया और जब मैं संसद में था तभी भ्रूण हत्या के खिलाफ कड़ा कानून बना, और अब कोई इसमें सोचेगा भी तो उसकी खैर नहीं है। तो ये तो बहुत बहुत, बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं आ गई है। इसलिए इतिहास लिखते रहना है। हमें नहीं अच्छा लग रहा है वो व्यवस्था, हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। हमने किसी को गाली नहीं दी, हमने किसी के लिए डंडा नहीं उठाया, हमने किसी का मुर्दाबाद नहीं किया। लेकिन मुझे क्या पता था कि एक दिन इन विचारों की सरकार बनेगी और भ्रूण हत्या पे ऐसा कानून बनेगा कि कानून तो बनेगा ही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी सजाओ ऐसा कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। तो ये मेरा मानना है कि हम कुंवर सिंह जी से लेके और यहाँ तक हम सभी जो बातें कर रहे हैं वो इतिहास संकलन के राष्ट्रीय अधिवेशन में बहुत सारी बातें आई होंगी। हमारे तरफ से भी थोड़ा सा चला गया, और अभी अभी जैसे ही मैं इतना इम्पोर्टेंट विषय ले रहा था तभी हमारे बिहार के संगठन मंत्री जी यहाँ पधारे, तो उनका भी स्वागत करता हूँ मैं अपनी तरफ से। वो मूलतः गुजरात से हैं और गुजरात में जो हुआ है वो भी एक इतिहास ही है। बुला गए हम तो हमारी इतिहास लेखन में ही अभी की हो जिया हो बिहार के लाला, जिया तू हजार साला, जिया तू हजार तनी धूम धाम से तनी झूम झाम के। अब गाने का मुखड़ा तो सब सुना है लेकिन अंदर की एक लाइन जरूर सुनिएगा कि तू माटी के लाल रे लाला भैया भैया भैया, तोरा मग ही शान निराला भैया भैया भैया, तेरे पुरखे जिए अंधेरा और तूने जना उजाला, तेरे पुरखे जिए अंधेरा और तूने जना उजाला, तेरे गोड़ पखारे गंगा तेज से है आग झुलसता, तेरे कंधे चढ़ के सूरज आसमां में रोज निकलता। हर जिया हो इतिहास के विद्वान, तनि धूम धाम से तनि झूम झाम के, इतिहास जवन बिगड़ल बा ओके सजावे भैया, इतिहास जवन बा गलत ओके सजावे भैया, पीछे जवन छुपावल बा ओके भी लावे भैया, प्रकाश में भारत के यह वर्ष प्रकाश मनावे भई, अमृत काल में आपन अमृत जरा सजावे भैया भैया भैया। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। कोई गलती होगी तो क्षमा कर दीजिएगा।
इस बीच बिहार के माननीय संगठन मंत्री और भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के माननीय सदस्य सचिव प्रोफेसर उमेश अशोक कदम जी का आगमन हुआ था। कल के कार्यक्रमों की सूचना आपको मैं दे दूं इसी दौरान। इसके बाद जो आज के कलाकार हैं उनका सम्मान का कार्यक्रम है। आप कृपया थोड़ी देर और बैठे रहें। कल प्रातः साढ़े आठ बजे जलपान के उपरांत प्रांतसह बैठकें होंगी, जिसके लिए अभी बैठक में आदरणीय भाई साहब श्री संजय जी ने स्थान सभी प्रांत सचिवों को बता दिया है कि कहां कहां बैठकें उनकी आयोजित होंगी। प्रांतसह टोलियां 8:30 से 9:30 बजे के बीच बैठेंगी। कुछ जगह क्षेत्र सह भी बैठ सकती हैं, उसकी सूचना प्रांत सचिवों को या क्षेत्र संगठन सचिवों को हो गई है। उसके बाद 9:30 से 11 हमारी साधारण सभा होगी। 11:30 से 11:30 चाय के लिए एक ब्रेक होगा। 11:30 से 1:30 के मध्य हमारा सांगठनिक विमर्श और समारोह का कार्यक्रम होगा। 1:30 बजे के बाद भोजन और फिर हम यहां से प्रस्थान कर सकेंगे अपनी अपनी सुविधा अनुसार। आप कृपया इन कलाकारों के सम्मान में थोड़ी देर और यहां बैठे रहें। कृपया धैर्यपूर्वक थोड़ी देर के लिए और आप अपने स्थान पर बैठें। धैर्यपूर्वक अपने स्थान पर थोड़ी देर बैठे रहें कृपया।
चौरसिया जी यथाशीघ्र, चौरसिया जी, चौरसिया जी यथाशीघ्र संपन्न कराएं कार्यक्रम। वो बोले कराएंगे, उनको नाम हम नहीं पता, हमको नाम हम आपने दिया नहीं, वो कराएंगे ना, कौन करेंगे, वही बोले वो करेंगे, चौरसिया जी वो बुलाएंगे लोगों को कलाकारों को। किसको भेजे, जितेंद्र चौरसिया और उनकी टीम, सुरंगन की पूरी टीम को सम्मानित करने के लिए मेरा आग्रह है, योगेश जी, योगेश जी, योगेश उपाध्याय जी कृपया उसको प्रबंधित करें, उनकी पूरी टीम का सम्मान, ताकि कार्यक्रम की औपचारिक समाप्ति की जा सके। सुरंगन की पूरी टीम, जितेंद्र चौरसिया और उनकी पूरी टीम, आदरणीय श्री त्रिविक्रम नारायण सिंह जी से आग्रह, जो इस विश्वविद्यालय के माननीय प्रबंध निदेशक हैं, श्री त्रिविक्रम नारायण सिंह जी, आपसे आग्रह कि आप जिन्होंने इतनी सुंदर प्रस्तुति दी, भोजपुरी माटी की सोंधी महक को हर हम सब तक पहुंचाया, आप उन्हें एक स्मृति चिन्ह भेंट कर और इनके उत्साहवर्धन के लिए एक बार पुनः आपकी ओर से तालियों की अनुगूंज सुनाई दे। सुरंगन की इस टीम का सम्मान आदरणीय त्रिविक्रम नारायण सिंह जी द्वारा। कलाकारों के औपचारिक के लिए तरह तालियां होती रहे, हमारे कलाकार इस चीज़ के ही भूखे होते हैं। कलाकारों को आपके तालियों के रूप में आपका उत्साहवर्धन ही उनके लिए सबसे बड़ा प्रतिदान होता है। इस सांकेतिक और प्रतीकात्मक सम्मान के साथ आपकी तालियां उनके उत्साह को द्विगुणित करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद श्री चौरसिया जी और उनकी पूरी टीम को। आप सभी से आग्रह कि आप भोजन के लिए सभी प्रस्थान करें। बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम को।